الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी मोहतरम दीनी माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको यहाँ जमा दीन की निस्बत पर फरमाया है और दीन की निस्बत पर जमा होना ये अल्लाह तबारक व तआला को महबूब है। ईशा की नमाज के बाद का वक्त है, घर पर छोटे छोटे बच्चों के सोने का वक्त है और ऐसे वक्त में आपका आना ये आपकी बड़ी कुर्बानी है। परवरदिगार आलम आपके जमा होने को अपनी बारगाह में भी इंतहा कबूल फरमावे। जिस तरीके पर आप यहाँ जमा हुई हैं, दीन की निस्बत पर, निस्बत ईमान पर, कलमे की निस्बत पर, परवरदिगार आलम हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस के अंदर भी जमा फरमावे। मेरे मोहतरम दीनी माँ बहनों, दुनिया में हमारे आने के बड़े मकासद हैं। दुनिया में कोई इंसान बगैर मकसद के नहीं आता। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इस सारी की सारी चीज़ों के पीछे मकासद होते हैं। हमारे दुनिया में आने का बहुत बड़ा मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने दुनिया में इंसानों को पैदा किया, जिन्नातों को पैदा किया ताकि दुनिया में रहकर वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत को हासिल करे। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक, जब ये चीज़ ज़िंदगी में आ जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत आ जाती है, अल्लाह की मारिफत आ जाती है, अल्लाह का ताल्लुक आ जाता है, तो हमारी दिलों की दुनिया बदल जाती है। जब दिलों की दुनिया बदल जाती है तो बदन से निकलने वाले जितने भी आमाल हैं वो सारे आमाल ऐसे निकलते हैं कि जिन आमाल के करने पर परवरदिगार आलम राज़ी हो जाता है। फरिश्ते रश्क करते हैं कि देखो अल्लाह ताला की बंदी कैसे अमल करती है, अल्लाह तबारक व तआला की बंदी कैसे अमल करती है और अल्लाह तबारक व तआला की नेक बंदी की ज़िंदगी में दीन की तरह है। सबसे बड़ी बुनियादी बात है हमारे दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को उतारना, अल्लाह के ताल्लुक को उतारना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यबना आदम क़ल्बुका ली फला तुदखिल फीह हुब्ब गैरी, ये आदम की बेटी तेरा दिल तो मेरे लिए है, मेरे अलावा किसी और की मोहब्बत को दिल में दाखिल मत कर। हमारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत पैदा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक पैदा हो जाए। कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा जो है वो ईमान का कलिमा है, वो कलिमा इस्लाम का कलिमा है, ये कलिमा तौहीद का कलिमा है। ये कलिमा हमारे दिल की गहराइयों के अंदर उतर जावे, हमारे दिल में रच जावे, हमारे दिल में बस जावे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह जब दिल में उतर जाता है तो हमारी ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हो जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये अंदर की चीज़ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये बाहर की चीज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये ज़ाहिर हो नहीं सकता,
मोहम्मद रसूलुल्लाह ये छुप नहीं सकता। जब ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत, अल्लाह तबारक व ताला का यकीन, अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद जब दिल की गहराई में उतर जाएगी तो हमारे बदन से निकलने वाले आमाल आप सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होंगे। हमारा आँखों का देखना बदल जाएगा, हमारी जबान के बोल बदल जाएंगे, हमारा कानों का सुनना बदल जाएगा, हमारा हाथों का पकड़ना बदल जाएगा, हमारा पैरों का चलना बदल जाएगा, हमारा पूरा का पूरा वजूद अल्लाह तबारक व ताला की फरमाबरदारी की तरफ चलेगा, अल्लाह के हुक्मों के अंदर मज़ा करने में मज़ा आएगा, ईमान की हलावत पैदा होगी। जैसे एक अल्लाह तबारक व ताला की बंदी को आइसक्रीम के खाने का शौक़ है, दूध के पीने का शौक़ है, बाजार के किस्म बाजार की चीज़ों के खाने का शौक़ है, या गर्मी किसी किस्म की कोई भी खाने पीने की आइटम होती हैं उनका शौक़ होता है, आइसक्रीम की एक एक चम्मच में लज्जत मिलती है, कितना मज़ा आता है, उसके दिल को ठंडक पहुँचती है, उसके जिस्म को ठंडक पहुँचती है, उसके पेट को ठंडक पहुँचती है। जब ज़िंदगी में कलमा पैदा हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम पर अमल करने में मज़ा आता है, अमल करने में लज्जतें आती हैं, नमाज के पढ़ने का मज़ा आता है, कुरान की तिलावत का मज़ा आता है, अल्लाह के जिक्र का मज़ा आता है, रात की खलवतों में और रात की तन्हाइयों में अल्लाह के सामने उठने का मज़ा आता है, तन्हाइयां नेक बन जाती हैं, आँखों का देखना नेकी वाला बन जाता है, कानों का सुनना नेकी वाला बन जाता है। और अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं जब अल्लाह तबारक व ताला का बंदा या अल्लाह तबारक व ताला की बंदी जब अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करके ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारती है तो हमारा एक सजदा भी जिब्राइल के सजदे से आगे बढ़ जाता है। जिब्राइल अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फरिश्ता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अंदर मलकुती सिफत है, अल्लाह तबारक व ताला का फरिश्ता है, लेकिन अल्लाह ने इनमें ख्वाहिश नहीं रखी, न उनकी कोई बीवी है, न उनके कोई बच्चे हैं, न उनको गुनाहों की कोई ख्वाहिश है, 24 घंटे अल्लाह तबारक व ताला की इताअत में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला की मर्जियात के मुताबिक ज़िंदगी उनकी गुजर रही है। इंसान के अंदर नेकी करने का भी मादा है और गुनाह करने का भी अल्लाह ने मादा रखा है। अब गुनाहों पर कंट्रोल करना, ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना और ज़िंदगी को अल्लाह ताला की मर्जियात के मुताबिक गुजारना ये मुजाहदा है। इसे उलमा ने लिखा है एक ईमान वाली बंदी का सजदा फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाता है। जब ईमान वाली बंदी अपनी ख्वाहिशात को काबू करके, नफ्सानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करके अल्लाह के हुक्म को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारती है, इसलिए मेरी बहनों अपनी ज़िंदगियों को सही करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व ताला का दीन लाओ। और सबसे बड़ी बुनियादी जो चीज़ हर नबी ने अपनी कौम के सामने कहा, ए मेरी कौम एक अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करो, या कौम अब्दुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु। सबसे बड़ी बुनियादी बात हमारे अकीदे को दुरुस्त करना है, हमारे दिल के अंदर ईमान को उतारना है। जिस तरह हमारे पेट में खाना उतरता है, हमारे पेट के अंदर दूध उतरता है, पानी उतरता है, इस तरीके पर मेहनत करके हमारे दिलों में अल्लाह की बड़ाई को उतारना है, अल्लाह के ताल्लुक को उतारना है, अल्लाह की मोहब्बत को उतारना है। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने का मजा आता है और गुनाहों से नफरत पैदा हो जाती है। आज मेरी बहनों ये दुनिया में जहाँ जहाँ भी ख़तरनाक किस्म के हालात हैं कि ईमान वाला मर्द भी और ईमान वाली औरत भी अल्लाह को भूल चुकी है और अल्लाह ताला को भूलकर अपनी ज़िंदगी को नाफरमानी के साथ गुजार रही है, खलबतें गंदी हो चुकी हैं, आँखों का देखना गलत हो चुका है, जबान के बोल गंदे हो चुके हैं, कानों का सुनना गलत हो चुका है, हाथों का पकड़ना गलत हो चुका है, हमारी ज़िंदगी बाजारी बन गई है। उलमा ने लिखा है एक औरत अपने शोहर के कहे बगैर जब घर से निकलती है और बाजार का रुख करती है और बाजार में बगैर पर्दे के साथ चलती है तो अल्लाह तबारक व ताला की उस पर लानत है, आसमान के फरिश्तों की लानत है, ज़मीन के फरिश्तों की लानत है। आसमान टूटने को तैयार हो जाता है, ज़मीन ज़ेरो ज़बर हो जाती है और पहाड़ टूटने को तैयार हो जाता है कि अल्लाह ताला की बंदी अल्लाह के हुक्म को तोड़ रही है। अल्लाह का ताल्लुक होगा, अल्लाह की मोहब्बत होगी तो कभी दिल में अल्लाह की नाफरमानी पैदा नहीं होगी। जब औलाद के दिल में माँ बाप की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो औलाद माँ बाप के इशारों पर काम करती है, लेकिन औलाद के दिल में जब माँ बाप की मोहब्बत नहीं होती, माँ कितना भी अच्छा रखे लेकिन दिल में न माँ की आज़मत है न बाप की आज़मत है तो माँ के सामने हो जाता है, बच्चे आवारा हो जाते हैं और बच्चियाँ बेहया हो जाती हैं और माँ बाप की ज़िंदगी अजीरन बन जाती है,
माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और माँ बाप की इताअत बच्चों के दिल से निकल जाती है और हमारा घर जहन्नम का जरिया बन जाता है जब घरों में अल्लाह ताला का दीन नहीं होता। सबसे बड़ी बात जो है दिल में ईमान को उतारना, दिल में अल्लाह के हुक्म को उतारना कि हम अल्लाह को न भूल जावे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने बंदों और अपनी बंदियों को फरमाया वला तकूनू कल्लदीन नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, ए मेरे बंदो, ए मेरी बंदियों, आप उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को बुला दिया। जब उन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो परवरदिगार आलम ने उनको भी बुला दिया। अरे मेरी बहनों, जिसको अल्लाह भूल जावे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारी ज़िंदगी कटी पतंग की तरह हो जाती है कि कटी पतंग को पता नहीं होता मुझे कौन से नाली में गिरना है, मुझे कौन से कीचड़ में फंसना है, कौन से बच्चे के हाथ में मुझे आना है। हमारी ज़िंदगी कटी पतंग की तरह हो जाती है, हमारी कोई मंजिल नहीं होती, हमारा कोई किनारा नहीं होता। इसलिए ये दुनिया है, दुनिया ये दुनिया में आने का मकसद क्या है कि दुनिया में आने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है और अल्लाह तबारक ताला की मारिफत है। वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नातों को और इंसानों को मेरी इबादत के लिए पैदा किया है कि दुनिया में हमारी जिंदगी बंदगी वाली बने। हम अल्लाह तबारक व ताला की बंदियां हैं, अल्लाह ताला की बंदगी करें। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद यह है कि मेरे बंदे और मेरी बंदियां मेरी बंदगी करें। जिंदगी बनाए बंदगी, कि जिंदगी तो बंदगी के वास्ते है। हम दुनिया में अल्लाह की बंदी बन के जिंदगी गुजारे, बड़े बन के जिंदगी न गुजारे। बड़ा तो अल्लाह तबारक व ताला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की ताकत बड़ी है, अल्लाह के खजाने बड़े हैं, अल्लाह का नाम बड़ा है। हम तो छोटे हैं, हम तो अल्लाह तबारक व ताला के बंदे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी अल्लाह तबारक व ताला की इबादतें की, पूरी पूरी रात कभी कभी अल्लाह के सामने रोजा करते थे, लंबी लंबी नमाजें पढ़ा करते थे। मायशा फरमाती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे कि मेरे नबी के पैरों पर वर्म आ जाता था। तो मैं फरमाती, ए मेरे प्यारे शोहर, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने आपकी सारी जिंदगी की गलतियों को माफ़ कर दिया है। हालांकि नबी से गलती नहीं होती, नबी तो मासूम होता है। कुरान में अल्लाह ने कहा लियगफिर लक अल्लाहु मा तकद्दम मिन दब्बिक व मा तअख्खर, अल्लाह ताला चूक को भी माफ़ कर लेता है। तो मेरे प्यारे शोहर, अल्लाह के नबी, आप इतनी नेकी क्यों करते हैं, इतना अल्लाह ताला की इबादत क्यों करते हैं? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, या आयशा, के मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अल्लाह ताला मुझे नियामतें दे रहा हो, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्ती अता फरमाई, अल्लाह ने मुझे नबूवत की दौलत से मालामाल किया, अल्लाह ने मुझे दीन की मेहनत करने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया। इतनी बड़ी बड़ी नियामतें अल्लाह की मेरे पास हैं, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अरे मेरी बहनों, हम देखें हम पर कितनी अल्लाह की नियामतों की बारिश है। अल्लाह ने हमें देखने की ताकत दी, जबान से बोलने की ताकत दी, कानों से सुनने की ताकत दी, हाथों से पकड़ने की ताकत दी, पैरों से चलने की ताकत दी। हमारा दिमाग भी सही सालिम चल रहा है, हमारा दिल भी सही सालिम है। आज VS हॉस्पिटल में जाकर देखो कितने पेशेंट दिल के दौरे पड़े हुए हैं। आंतों का कैंसर है, जुबान का कैंसर है, आंखों का कैंसर है, कानों का कैंसर है। जवान जवान लड़कियां भी और जवान जवान लड़के भी अस्पतालों के अंदर पड़े हुए हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जिंदगी वीरान हो चुकी है। हमको अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी नियामतों से नवाजा है, हमारे पास तंदुरुस्ती भी है, हमारे पास अल्लाह ने खुद का मकान भी दिया है। कितनी अल्लाह ने हमें सही सालिम आंखें दी, सही सालिम जबान दी, सही सालिम अल्लाह ने हमें कान दिए। इतनी बड़ी अल्लाह तबारक व ताला की नियामतें हमारे पास है, हमारा हक ये बनता है इन नियामतों पर हम अल्लाह तबारक व ताला की शुक्रगुजार बंदियां बने। शुक्रगुजारी का मतलब क्या होता है? हमारी आंख वहां देखेगी जहाँ अल्लाह का हुक्म है, हमारी जबान वो बोलेगी जहाँ खुदा का हुक्म है, हमारा कान वो सुनेगा जहाँ अल्लाह का हुक्म है, हमारा दिमाग वो चीज़ों को सोचेगा जहाँ अल्लाह ने सोचने का हुक्म दिया है। कि हम अल्लाह ताला की मखलूकात में गौर व फिक्र करके अल्लाह की ताकत को पहचाने, अल्लाह की कुदरत को पहचाने। इतना बड़ा आसमान बनाने वाला कौन, इतनी बड़ी ज़मीन बनाने वाला कौन, इतने बड़े आसमान को
बगैर सुतून के अल्लाह ने बनाया, हम घर बनाते हैं तो घर में फाउंडेशन को मजबूत करते हैं, हम कितने सुतून खड़े करते हैं तब जाकर घर की इमारत मजबूत होती है। मेरा अल्लाह कितनी बड़ी ताकत वाला, कितनी बड़ी कुदरत वाला, उस परवरदिगार आलम ने बगैर सुतून के अल्लाह ने इतने बड़े आसमान को बनाया। الذي خلق سبع سماوات طباقا, फिर मेरा अल्लाह फरमाता है मेरी बंदी तो दोबारा देख, فرجع البصر ثم ارجع البصر كروتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير, तो बार बार आसमान की तरफ देख, कई आसमान में तुझे कोई फटन नजर आती है, कभी नहीं आएगी, ये कयामत के दिन आसमान फटेगा। اذا السماء انفطرت, जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो आसमान भी फटेगा, जमीन भी फटेगी और सूरज भी बेनूर हो जाएगा, चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अरे मेरी बहनों, जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी तो हमारा आंखों का देखना सही होगा, हमारी दिमाग की सोच सही होगी और हमारा पूरा वजूद अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ जाएगा। लेकिन जब जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती, अल्लाह का ताल्लुक नहीं होता, जिंदगी गफलत वाली होती है। आज दुनिया में बहुत सारी लड़कियां गफलत में जिंदगी गुजार रही हैं, न दीन का पता है, न अल्लाह को जानती है, न अल्लाह के नबी को जानती है, न अल्लाह का दिल में डर है, न नबी की मोहब्बत है, बगैर पर्दे के बाजारों में गुम रही है, बगैर पर्दे के बाजारों के डेकोरेशन बन रही है, बाजारों की जीनत बन रही है। अरे मेरी बहनों, मगरिब का कल्चर हमारे घरों में ना आवे। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मशरिक वुस्ता में पैदा हुए, मक्का मशरिक वुस्ता में है, मदीना मशरिक वुस्ता में है, हम मशरिक में रहते हैं, इतना बड़ा सूरज भी मगरिब में जाके डूब जाता है और दुनिया के इंसानों को ऐलान करके कहता है, ये नौजवानों अगर तुमने यूरोप के नौजवानों की नकल की और ये हिंदुस्तान की बच्चियों अगर तुमने यूरोप की लड़कियों की नकल की और अपने कपड़ों को तुमने आधा कर दिया, अपने बदन को बरहना कर दिया, अपने सर से तुमने दोपट्टे उतार दिए, तुमने कपड़े पतले कर दिए, तो तुम्हारा भी डूबना मुकद्दर है, तुम्हें कोई मंजिल नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई किनारा नहीं मिलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपनी गली में अपने शहरों में ऐसी औरतों को देखो, रुब कासियातिन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, के बहुत सी कपड़ा पहनने वाली औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद भी बरगना दिखेगी, बगैर कपड़ों के दिखेगी, और ऐसे कपड़े पहन के माइलातुन गैर महरम मर्दों को और नौजवान औबाश लड़कों को अपनी तरफ माइल करेगी और खुद दूसरे लड़कों की तरफ माइल होगी, गैर महरम की तरफ माइल होगी। मेरे नबी ने फरमाया, ऐसी औरतें कभी जन्नत पे दाखिल नहीं होगी बल्कि जन्नत की खुशबू को भी महसूस नहीं करेगी। कि बहुत सी कपड़ा पहनने वाली भी बगैर कपड़े के होगी। सहाबा ने पूछा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, कपड़ा पहनने वाली बगैर कपड़े के कैसे दिखेगी? मुहद्दिसीन ने इस हदीस में दो बातें फरमाई, इतने तंग कपड़े पहनेगी, आज जाओ डागरवाड़ की मार्केट में और अहमदाबाद की बड़ी बड़ी मार्केटों में लेडीज के कपड़े कैसे मिलते हैं, इतने फीट कपड़ों का बाजार बन चुका है कि मुसलमान औरत इतने फीट कपड़े पहनेगी के बदन का नशीबो फराज, बदन का उतार चढ़ाव बाहर दिखेगा, उसका उबार बाहर दिखेगा। मेरे नबी ने फरमाया, ऐसी औरतें अगर तुम्हारे घरों में हो, तुम्हारी गलियों में मिले, बाजार में मिले, तो कयामत का इंतजार करो, इतने तंग कपड़े पहनेगी। हालांकि लिबास के बारे में फरमाया कि लिबास कैसा पहनना चाहिए, हमारे बदन का लिबास चौड़ा चौड़ा हो, हमारा बदन का लिबास ढीला ढाला हो, कि बदन का कोई उज़्व बाहर न दिखे। फिर फरमाया, दूसरा मतलब ये होता है कि बहुत सारी कपड़ा पहनने वाली बगैर कपड़े के होगी, इतने बारीक कपड़े पहनेगी कि बदन के अंदर की चीज बाहर दिखाई देगी। आज तो मार्केट में से कपड़े मिलते हैं कि आस्तीन ही नहीं होती, सिर्फ आस्तीन की जाली होती है, आस्तीन की सिर्फ अस्तर होता है, पूरा बदन बाहर से झलकता है, बाहर से दिखाई देता है। ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगी बल्कि जन्नत की खुशबू को भी महसूस नहीं करेगी।
जब अल्लाह की मोहब्बत का रिश्ता कमजोर हो जाता है, ईमान कमजोर हो जाता है, तो अमल बिगड़ता है, गुनाह बढ़ जाते हैं, नेकी मगलूब हो जाती है, गुनाह गालिब हो जाता है और गुनाहों का बाजार गर्म हो जाता है। मुसलमान की बेटी हम नमूना किसको बना रही है? हम यूरोप की औरतों को आइडियल न बनावे, यूरोप की औरतों को नमूना न बनावे। यूरोप का एक मुल्क है स्वीडन, अल्लाह ने वहां इतनी रोजी अता फरमाई है, इतनी रोजी अता फरमाई है, खाने पीने के एतबार से, मकान के एतबार से सारी की सारी सहूलतें मौजूद हैं। बल्कि यहां तक उलमा लिखते हैं उस मुल्क के नौजवान और उस मुल्क के मर्द और औरतें 600 साल तक भी अगर बिल्कुल न कमावे, उनके पास इतना सारा पैसा पड़ा है कि कभी घर में खाना खाने का फाका नहीं आएगा, हर तरह की सहूलतें खाने पीने की मयसर है। बल्कि अगर कोई नौजवान अगर नौकरी नहीं करता तो सरकार उसके घर पर महाना तनख्वाह और सैलरी भिजवाता है। ये मुल्क की तरफ से सहूलतें हैं और गुनाहों का बाजार बिल्कुल गर्म है। अगर इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरी करना चाहिए किसी गैर महरम के साथ, तो वह कोई रोक टोक नहीं है। मर्द और औरत बिल्कुल आजादाना माहौल है, बिल्कुल मर्द और औरत का माहौल आजादाना है, फ्री माहौल है। हालांकि वह चैन सुकून होना चाहिए था, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले, खुदकशी करने वाले स्वीडन के लोग हैं। जवान बच्चियां गोलियां खा के मर जाती हैं, जवान बच्चियां फांसी के फंदे में दोपट्टा लटका कर जिंदगी को खत्म कर लेती हैं और 70% से ज्यादा वहां तलाक हो रही हैं। फैमिली सिस्टम बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों को मां नहीं मिलती और बच्चों को बाप नहीं मिलता। हर तरह की खाने पीने की सहूलतें होने के बावजूद इस मुल्क में बेचैनी है। क्यों मेरे भाई मेरी बहनों, दिल में सुकून जो आता है ये बंगलों से नहीं आता, दिल में सुकून ये गाड़ियों से नहीं आता, दिल में सुकून खाने पीने की चीजों से नहीं आता, सोने व चांदी के जेवरा से दिलों का सुकून नहीं आता। गैर महरम की तरफ ललचाई हुई निगाहों से देखना और अपने जिस्म को गैर महरम की तरफ पेश करना, उससे जिंदगी का सुकून नहीं मिलता। गुनाहों में लज्जत होगी लेकिन गुनाह हालात लाएंगे, दिल परेशान हो जाएगा, दिल में आग लगेगी, दिल बेचैन हो जाएगा। जब कोई मर्द कोई गुनाह करता है, जब कोई औरत अल्लाह की नाफरमानी करती है, नाफरमानी के बाद अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह के अजाब की शक्लें अलग अलग होती हैं। सबसे पहले परवरदिगार आलम जो अजाब लाता है वो इंसानों के दिल पर लाता है। हमारा दिल परेशान हो जाता है, दिल के अंदर आग लग जाती है, दिल में आग तड़पती है, दिल की रग रग में अंधेरा पैदा हो जाता है, दिल गला जतों का गटर बन जाता है, दिल में सुकून नहीं, घर में सुकून नहीं। न बीवी को मर्द अच्छा लगता है, न मर्द को बीवी अच्छी लगती है, न माँ बाप को औलाद अच्छी लगती है, न औलाद को माँ बाप अच्छे लगते हैं, औलाद को दोस्त अच्छे लगते हैं, लड़की को सहेली अच्छी लगती है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत दिलों से निकल जाती है। अरे मेरी बहनों, ये क्यों हो रहा है? अल्लाह के ताल्लुक की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। जब ईमान कमजोर हो जाएगा, दुनिया में गुनाह जन्म लेंगे, नेकियां खत्म हो जाएगी, अमल बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों, अपनी जिंदगी को सही करने की कोशिश करें। हमारी बहुत सी बच्चियां जॉब करती हैं, मुसलमान की बच्ची को जॉब करना जेब नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द घर के बाहर के काम करेंगे, औरतें घर के अंदर का काम करेगी। जब मेरे नबी की बेटी फातिमा का निकाह हुआ तो मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा घर के कामकाज करेगी, अली घर के बाहर के काम करेंगे। अगर किसी जगह मजबूरी में अगर जॉब पे जाने की जरूरत पड़ जावे, घर में खिलाने की जिम्मेदारी औरत पर नहीं है, ये मर्द की जिम्मेदारी है। अपने घर में औरत को खर्चा देना और अपने बच्चों के नान नफके को पूरा करना। लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसे भी हैं जिनका मर्द नहीं होता, जो तलाकशुदा होती है, बेवा होती है, कोई खिलाने वाला नहीं, कोई पिलाने वाला नहीं, अगर बतौर मजबूरी के जॉब करती हैं, ऐसे वक्त के अंदर भी अपनी आंखों की हिफाजत जरूरी है, अपने जिस्म की हिफाजत जरूरी है। अगर अपनी आंखों की हिफाजत नहीं होती और अपनी जिंदगी के बर्बाद होने का खतरा है, तो मेरी बहनों जॉब न करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह रोजी का इंतजाम करेगा।
बहुत सारी शक्लें हैं, हम कपड़े सीकर अपने बच्चों के घर का गुजरान पूरा करें, लोगों के घरों में जाकर घर धोकर अपने घर का गुजरान पूरा करें, अल्लाह के वास्ते उसमें हमारी ईमान की हिफाजत होगी और हमारी बच्चों की दिली तरबियत होगी। अमेरिका के वाशिंगटन के मुल्क में एक लड़की इस्लाम में दाखिल होने के बाद नाइट क्लबों में जाने वाली, जिसकी पूरी जवानी अय्याशी में गुजरी थी, अल्लाह के दीन की बात समझ में आई, अपनी ज़िंदगी को चेंज किया, अमेरिका के सड़क में बिल्कुल पर्दे में जा रही हैं, हाथों में दस्ताने हैं, पैरों में जराबे हैं, पैरों के अंदर भी मोजा हैं, पूरा बदन बुरके के अंदर मलबूस है। तो किसी ने कहा, ए बहन तुझे ज़िंदगी अय्याशी में गुजारी है, क्या इस्लाम में दाखिल होने के बाद पर्दे की पाबंदी के बाद क्या तुझे तंगी महसूस नहीं होती कि तूने हाथ का भी पर्दा किया है, पैरों का भी पर्दा किया है। ये मगरबी औरत इस्लाम में दाखिल होने के बाद जो जवाब देती है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने दुनिया में बहुत बड़ी अय्याशी की है, अय्याशी के बाजार गर्म किए हैं, जब मैं नाइट के अंदर क्लबों में जाती थी इस वक्त बगैर पर्दे के होती थी, मुख्तलिफ किस्म के अवबाश नौजवान मेरे जिस्म की तरफ ललचाई हुई निगाहों से देखते थे, मुझे हमेशा खतरा होता था कि कोई अवबाश नौजवान मेरे पर हमला न कर दे, मेरी जिंदगी को बर्बाद न कर दे। मैं इसी टेंशन में थी, अल्लाह ने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया, मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई, अल्लाह के नबी के तरीके मेरी जिंदगी में आए। मैंने हजरत फातिमा की जिंदगी को पढ़ा, हजरत ज़ैनब की जिंदगी को पढ़ा, हजरत आयशा की जिंदगी को पढ़ा, मेरे नबी की बीवियों की जिंदगी पढ़ी, अल्लाह के नबी की बेटियों की जिंदगी पढ़ी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा की अहलिया, सहाबा की बीवियां, सहाबियात की मैंने जब जिंदगियों को पढ़ा, तब मुझे पता चला इस्लाम में कितनी मोहब्बत है, और इस्लाम तो हया की तालीम देता है, और इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मकाम है, और इस्लाम में औरत की बहुत बड़ी इज्जत है। अब मैं अमेरिका के बाज़ारों में जब बुरके के अंदर जाती हूँ, मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होता, मेरे दिल को भी सुकून है, मेरे जिस्म को भी सुकून है। इसलिए मेरी बहनों, पर्दे की पाबंदी करें, पर्दे की पाबंदी करें, पर्दे की पाबंदी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन कुरान करीम की वही को लेकर आते थे। जिब्राइल अमीन का 24,000 मरतबा 23 साल के अरसे में कुरान करीम के वही को लेकर आए। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के पास आए हुए थे, मेरे नबी घर पर थे, जिब्राइल कुरान करीम के वही को लेकर आए। जिब्राइल जब भी वापस जाते थे तो मेरे नबी को कहकर जाते थे, इजाजत लेकर जाते थे। एक मरतबा बगैर इजाजत के जिब्राइल चले गए, बगैर इजाजत के चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जब दोबारा आए तो पूछा, जिब्रगील जब भी तुम मेरे पास आते हो तो इजाजत लेकर जाते हो, इस मर्तबा तुम मेरे घर पर आए थे और तुम बगैर इजाजत के चले गए। कया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके घर भी आया और आपकी बीवी खदीजा का भूल से उनका सर का दोपट्टा लुढ़क गया और उनके सर के बाल नजर आए। जहाँ बाल नजर आते हैं वह शैतान घर में आ जाता है, वहां फरिश्ता ठहर नहीं सकता। मेरे नबी की बीवी है, अल्लाह का सलाम खदीजा पर आया है, इतनी नेक बीवी, सिर्फ बाल के देखने पर जिब्राइल जैसा फरिश्ता घर से निकल जावे। अरे मेरे बहनों, हमारे घर में क्या हाल है, हमारी जवान बेटियां बाजारों की जिद्दत बन चुकी है, हमारे घर की औरतें बगैर सर के दोपट्टे के घर के अंदर भी घूम रही है, घर के बाहर भी घूम रही है। हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है, शयातीन हमारे घरों में आ चुके हैं, फरिश्ते हमारे घरों से निकल चुके हैं। फरिश्ते तो अल्लाह की नेक मखलूक है, शैतान तो अल्लाह की बदतरीन मखलूक है, शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन शैतान लकुम अदुवुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जिसके घर में पर्दा नहीं होता, घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, घर में नमाज की पाबंदी नहीं होती, घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता, उस घर में शैतान डेरा लगाता है, शैतान का बाजार गर्म हो जाता है घर में। फिर छोटी छोटी बातों पर शैतान मर्द को गुस्से करता है, मर्द बीवी के बीवी से लड़ता है, छोटी छोटी बातों पर बीवी मर्द से लड़ती है और औलाद माँ बाप की नाफरमान बन जाती है। ये हमारे घरों में बेदीनी की नहुसत है।
इससे मेरी बहनों हम पर्दे को लाजिम पकड़े। हमारे घर में बेटे की शादी होती है या बेटी की शादी होती है या रिश्तेदार में कई शादी में जाने का होता है, क्या गजब है, अल्लाह रहम फरमावे। कितनी किस्म की क्रीम, कितनी किस्म के पाउडर और ब्यूटी पार्लर में जाकर आंखों के ऊपर के बालों को काटना, जो हराम है, हराम है, अल्लाह को गजब देने वाला, अल्लाह को गजब देने वाला अमल है, अल्लाह को गुस्से करने वाला अमल है। हमारी बेटियां ब्यूटी पार्लर में जा रही हो, अपने आंखों के ऊपर के भव के बाल कटवा रही हो, ये तो मेरी बहनों, मेरे नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी देखो, जन्नत की औरतों की सरदार है हजरत आयशा की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी की महबूबा बीवी है हजरत खदीजा की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी की महबूब तरीन बीवी है, क्या जिंदगी सादगी के साथ गुजारी है। अल्लाह के वास्ते अपनी जिंदगी को सादा बनाओ, जिंदगी को पाक दामन बनाओ। हम जमाने को देख कर न चले, हम दुनिया की औरतों को मॉडल न बनावे, मगरिब की और मोबाइल में देख कर मोबाइल पे देख कर और आज के जमाने की गैर मुस्लिम लड़कियों को देखकर हमारी मुसलमान बच्चियां न ललचावे, उनकी नकल को न उतारे। हाँ तो हमारे घर में हमारी बच्चियों के बॉयफ्रेंड हैं, माँ को भी पता है, बाप को भी पता है कि मेरी बेटी स्कूल पढ़ती है, मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, कि तो आज तो जमाने की फैशन है। अरे जमाने की फैशन नहीं है, मेरी बेटी की इज्जत को बर्बाद हो जाएगी, मेरी बेटी का ईमान खत्म हो जाएगा। अरे रोने की जरूरत है, रोने की जरूरत है। हमारे घर में जवान लड़के घरों में दाखिल हो रहे हैं, कितनी मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती करके, अपने कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां गैर मुस्लिम सहेलियां होती हैं, उनका हमारे घरों पर आना जाना होता है, वो बच्चियां हमारे नंबरात को लेकर गैर मुस्लिम लड़कों के हवाले करते हैं, फिर चैटिंग शुरू हो जाती है और हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम वीडियो के हाथ में आने के बाद, कितनी मुसलमान बच्चियां जिन माँ बाप ने बड़ी नाजो नेमत से अपनी बेटी को पाला था, अपनी बेटी को बड़ा किया था, कुरान पढ़ाया था और मदरसे में पढ़ने भेजी थी, वही जवान बेटी कॉलेज में जाने के बाद किसी भेड़िए का शिकार हो गई और इतनी शिकार हुई कि उसको इस्लाम छोड़ना पड़ा, माँ बाप भी छोड़ने पड़े, घर भी छोड़ना पड़ा, इस्लाम की फिजा को छोड़ना पड़ा और बुतों की पुजारी बन गई। एक अल्लाह की नेक बंदी मुसलमान के घर में पैदा होने वाली बच्ची गलत माहौल की वजह से आज गैर मुस्लिमों के साथ जा रही है, हजारों की तादाद में मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के कब्जे में चली गई, इन लोगों ने अपनी बच्ची को खिलौना बनाया, उनके साथ अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के बाद बच्ची को तड़प तड़प के मारा, बच्ची को माँ से जुदा किया, बाप से जुदा किया। कितनी सोशल मीडिया पर हमने तस्वीरें देखी होगी, लेकिन हमारी बच्चियों को क्यों यकीन नहीं आता, हमारी बच्चियां क्यों उनके साथ मोहब्बत करती हैं। कुरान यूं कहता है, ए ईमान वाली बंदियों, तुम गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती मत करो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ू अदूबी व अदूबकुम, ईमान वालों तुम मेरे दुश्मन को और तुम्हारे दुश्मन को दोस्त मत बनाओ। मुसलमान दोस्त बन सकता है, मुसलमान लड़की से दोस्ती बना सकती है, गैर मुस्लिम से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। माँ बाप को ज़रूरत है अपनी औलादों की दीनी तरबियत करें, जब माँ बाप की ज़िंदगी में दीन होता है, औलाद की ज़िंदगी में दीन आता है। खदीजा माँ थी, खदीजा दीनदार थी, तो अल्लाह ने बेटी फातिमा दी, जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। हज़रत फातिमा दीनदार थी, अल्लाह ने हसन हुसैन बेटा दिया, हसन हुसैन ये फातिमा की औलाद है, जन्नत के नौजवानों के सरदार है। मेरे नबी फरमाते, हसन तो मेरा फूल है, हुसैन तो मेरा फूल है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हसन से हूँ और हसन मुझसे है, मेरे आका अल्लाह तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, आपकी बेटी फातिमा के लड़के हैं। जब माँ में दिनदारी थी, अल्लाह से दो नौजवान लड़के अल्लाह ने दिए कि दुनिया में बड़े बड़े बादशाहों के सामने सर तो कटा दिया लेकिन सर को नहीं झुकाया और अपने सर को नेजे पर चढ़वाया, करबला की धरती पर हजरत हुसैन का सर चढ़ा हुआ है। ज़ैनब हजरत हुसैन की बहन ने जब देखा कि मेरे भाई का, मेरे भतीजे का 72
72 जा निसार है, 17 तो अहले बैत हैं। जब उन तमाम अहले बैत के सर जब नेजों पर चढ़े हैं, हजरत ज़ैनब जब ने देखा कि सारे के सारे भाइयों के सर नेजे पर चढ़े हुए हैं, तो इस वक्त जो मरसिया पड़ा है कि मारने वाले भी और कत्ल करने वाले भी रो पड़े और यूँ कहा, वाह मुहम्मदा वाह मुहम्मदा, ए मेरे नाना जान, ए मेरे नाना जान, सल्ली अलैकल इला, आप पर अल्लाह की रहमतें हो, हादा हुसैन बिल अरा, आज तो हुसैन की बारात जा रही है, आज हुसैन ने सुर्ख जोड़ा पहना है, मुजम्मिलुद्दिमा, आज हुसैन का खून बह रहा है, मुकद्दिउल आदा, हुसैन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, वाह मुहम्मदा वाह मुहम्मदा, ए मेरे नाना जान, अगर आप होते ऐसा मंजर हमें देखने को नहीं मिलता, बना तो कस सबाया, ए मेरे नाना जान, आपकी बेटियों को कैद कर दिया है और आपकी बेटियों के सर से दो पट्टे उतार दिए हैं, यूं करके जो मरसिया पड़ा है कि कत्ल करने वालों की आंखों के अंदर भी आंसू आ गए। ऐसी नौजवान औलाद तैयार की थी अल्लाह के दीन के मुजाहिद, अल्लाह के दीन के दाई, ऐसे वक्त में नमाज को नहीं छोड़ा कि माँ कौन थी, कि माँ फातिमा थी, माँ फातिमा थी। इंतकाल का वक्त करीब आया, हज़रत अली घर पर मौजूद नहीं है, अपनी खादिमा को बुलाकर फरमाया, ये खादिमा मैं गुसल कर लगी हूँ, अब गुसल करने के बाद मैं कपड़े पहन लगी हूँ, अब मैं मरने का वक्त करीब हुआ है। 24 साल की नौजवान लड़की मेरे नबी की बेटी फातिमा बिल्कुल जवानी में अल्लाह की प्यारी हो गई और खादिमा को फरमाया, अब मैं गुसल करके सो रही हूँ, अब मुझे दोबारा गुसल मत देना। और नसीहत फरमाई, अंतुदफन लैलन, मुझे रात के वक्त ही दफन किया जाए, मुझे दीन में मेरे जनाजे को न उठा जाए, मेरे जिंदगी में मेरे बदन को किसी ने नहीं देखा, किसी गैर महरम की नजर मेरे बदन पर नहीं पड़ी, मैं नहीं चाहती कि जब मेरा जनाजा उठे तो लोगों को पता न चले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बेटी छोटी थी या बड़ी थी, उनका बदन मोटा था या पतला था। जिंदगी में मैंने अपने बदन को किसी को नहीं बताया, मैं नहीं चाहती कि दुनिया से जाने के बाद भी मेरे जिस्म पर किसी की नजर पड़े। ये मेरे नबी की बेटी का पर्दा है। अरे मेरी बहनों, उलमा ने लिखा है, जब जब पुल सिरात पर से हरे की गुजरने की बारी आएगी, हरे को पुल सिरात पर से गुजरना है। अल्लाह ने पुल सिरात को जहन्नम के ऊपर बिछाया है, अल्लाह ने पुल सिरात को जहन्नम के ऊपर बिछाया है। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, हरे को पुल सिरात के ऊपर से गुजरना है। जब फातिमा बिनते मोहम्मद, जब मेरे नबी की बेटी फातिमा के गुजरने की बारी आए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आएगी, ए नबियों की जमात, ए उलमा की जमात, ए सहाबा की जमात, अपनी अपनी निगाहों को नीचे कर लो, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात के ऊपर से गुजरने वाली है। ये अल्लाह की तरफ से इकराम होगा। जिंदगी भूख में गुजारी, जिंदगी फाके में गुजारी, पहनने के लिए मुकम्मल कपड़ा नहीं, सतर को छुपाने के लिए मुकम्मल कपड़ा नहीं गए, लेकिन जन्नत की औरतों की सर दार है। अरे मेरी बहनों, इज्जत कपड़ों से नहीं मिलती और इज्जत सोना और चांदी के जेवरात से नहीं मिलती और इज्जत बाजारों में घूमने से नहीं मिलती, इज्जत तो अल्लाह के दीन से मिलती है। हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह का ताल्लुक हो, नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत की पाबंदी हो, अल्लाह के जिक्र की पाबंदी हो, हमारे बच्चे दीनदार बने। जब माँ दीनदार होगी तो बेटा दीनदार बनेगा, जब माँ रातों को रोने वाली बनेगी औलादे रोने वाली बनेगी। उलमा ने लिखा है कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो खाली माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, अगर माँ की जिंदगी में तकवा होता है और माँ की जिंदगी में अगर नमाज की पाबंदी होती है, अल्लाह का डर होता है और माँ रातों को रोने वाली होती है, वही माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध पिलाने के साथ साथ माँ की नेकी का असर और माँ की दीनदारी का असर औलाद के दिल में मुंतकिल होता है। खुदा न करे, खुदा न करे, अगर माँ की ज़िंदगी में अल्लाह का दीन नहीं है, माँ भी व्हाट्सएप पर चलती है और माँ भी फेसबुक पर चलती है और माँ बगैर पर्दे के बाजारों की जीनत बनती है और बाजारों की डेकोरेशन बनती है, वही माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध पिलाने के साथ साथ माँ की गलत ज़िंदगी का असर भी औलाद के पेट में मुंतकिल होता है।
ये पड़ोस के मुल्क के अंदर मुल्तान में एक बच्चे को माने मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा। जैसे कि बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए आया, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़, तो छोटा सा बच्चा 4-5 साल का 3 पारे जबानी हिफ्ज सुना दिया। उस्ताद ने कहा बेटा 3 पारे तूने सुना दिए, जब चौथा पारा आया लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो बेटा चुप हो गया, दूसरे बच्चों की तरह वहां आके चुप हो गया। उस्ताद ने उसके अब्बा को बुलाया कि देखो तुम्हारा बेटा 3 पारों का हाफिज है, का मुझे तो पता नहीं है, और चौथा पारा आने के बाद तुम्हारा बेटा तो अटक गया कि जाकर मैं अपनी बीवी को पूछता हूँ। जाकर अपनी बीवी को पूछा क्या बात है, 4 साल का बेटा है, मदरसे का पहला दिन है, हमारा बेटा 3 पारों का हाफिज है। तो माँ ने बताया ये राज मैं आपको नहीं बता सकती। तो शोहर ने कहा अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो कौन बताएगा कि मेरा बेटा जब मेरे पेट में था मैंने कभी हराम का लुकमा अपने पेट में दाखिल नहीं किया, कभी बाजार का खाना मैंने अपने पेट में दाखिल नहीं किया, मैं खुद घर में पकाती थी, हलाल रोजी खाती थी। जब मेरा बेटा पेट में था मैं रोजाना 3 पारे कुरान करीम की तिलावत करती थी, क्योंकि मैं 3 पारों की हाफिजा हूँ, इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मेरे बेटे को पेट में ही 3 पारों का हाफिज बना दिया। अरे मेरी बहनों, ये माओ की जिंदगी का असर औलाद पर पड़ता है। जब माही बाजारों में खेलने की आदि बन चुकी हो और माही व्हाट्सएप पर फेसबुक पर चलने की आदि बन चुकी हो, क्या हमारा घर का माहौल है। जब रात का वक्त होता है बेटा भी मोबाइल पर, लड़की भी मोबाइल पर, लड़के भी मोबाइल पर। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले फरमाते हैं, अल्लामा जौजी फरमाते हैं कि मैं नाबलस की 1000 बस्तियों के अंदर में घुमा हूँ, मैंने वहाँ का माहौल देखा, इतनी दिनदार औरतें थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो आग में डाला गया वहाँ की एक बस्ती वहाँ मौजूद है बाबुल, मैं नाबलस की 1000 बस्ती में घुमा हूँ, मैंने किसी औरत को बाजार में चलते नहीं देखा, बाजार में गुजरते नहीं देखा, सिर्फ जुमा का दिन होता था। उस जमाने में औरतें मस्जिदों में जुमा के दिन नमाज पढ़ने आती थी तो पर्दे के साथ औरतें घरों से निकलती थी और मस्जिद में जाकर एक मखसूस जगह पर नमाज पढ़ती थी। जब जुमा की नमाज पूरी हो जाती थी सारी औरतें घरों में आ जाती थी। पूरा हफ्ता एक औरत ने मैंने कभी बाजार के अंदर चलते हुए नहीं देखा। ये माहौल था मेरी बहनों। हम जितना हो सके अपने आप को बाजारों की जिंदगी से बचावे, और कभी जरूरत पड़े बाजार में निकलने की तो खुशबू लगाकर न निकले। आज तो हमारे बुरके भी फैशनेबल बुरके हो चुके हैं कि बुरके को देखकर शैतान भी टपकता है। हमारे बुरके चौड़े हो, हमारे बुरके ढीले ढाले हो, हमारे बुरकों पर कोई फैशन न हो, हमारे बुरके सीधे सादे हो, हम जिंदगी सादा गुजारे, ये कपड़ों पर अल्लाह का आजाब आए, अल्लाह के सामने मुझे और आपको जवाब देना पड़ेगा, जिंदगी को सही गुजारे। एक मेरा नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, जब मैंने मेराज का सफर किया मैंने एक औरत को देखा उसके बालों से उसको जहन्नम में लड़काया जा रहा है, पूरा बदन बालों के साथ लड़का हुआ है। अरे मेरी बहनों, हमारा बेटा हमारे बाल को खींच देवे हमें कितनी तकलीफ होती है, उस औरत को जहन्नम में बालों से लड़काया जा रहा है और उसके कानों में शीशा पिघलाया जा रहा है जहन्नम का गरम गरम। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी ये कौन से गुनाह की बुनियाद पर यह आजाब हो रहा है कि औरत को बालों से लड़काया जा रहा है। तो मेरे नबी ने फरमाया वो बाजारों में बगैर पर्दे के घूमती थी और अपने शोहर की इजाजत के बगैर बाजारों में चलती थी, अल्लाह ने आजाब दिया है कि उसका पूरी बॉडी और पूरा बदन बालों के साथ जहन्नम में लड़का हुआ है। इससे मेरी बहनों, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने ईद के मौके पर आपने खुतबा दिया और आपने कहा या माशर निसा, ये औरतों की जमात तसद्दकना, सदका खूब दिया करो, मैंने सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में जलते हुए देखा है, मैंने सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में जलते हुए देखा है। अनस इब्ने वाली की वालिदा उम्मे सुलेम ने पूछा लीमा या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, कौन से गुनाहों की बुनियाद पर औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएगी? तो मेरे नबी ने फरमाया औरतों में दो खतरनाक आदतें हैं, एक तो फरमाया तुकसिरन लअना व तकफुरन अशीर, तुकसिरन लअना
औरत गीबत ज्यादा करती है, गीबत ज्यादा करती है, लान तान ज्यादा करती है, अपने बच्चों को भी ताने देती है, पड़ोसी को भी ताना देती है, पड़ोसी को भी सताती है, देरानी जेठानी को सताती है, जेठानी देरानी को सताती है, और सास अपनी बहू को सताती है, और बहू सास को सताती है। हमारा पूरा माशरा दरहम बरहम हो चुका है। अरे मेरी बहनों, जबान से झूठ मत बोलो, जबान से किसी पर तोहमत मत लगाओ। चार पांच औरतें मोहल्ले में जमा हो जाती है, किसी का घर बर्बाद हो जाता है, किसी की मंगनी टूट जाती है। नमाज के पढ़ने के बावजूद भी, रमजान के रोजे रखने के बावजूद भी अगर हमारी जबान बेकाबू है, औरतें जहन्नम में जाएगी, अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होगी। उलमा ने लिखा है, औरत की जबान जब बड़ी हो जाती है, दुनिया में फितने वजूद में आते हैं। औरत फिसलती भी जल्दी है और फुसलाती भी जल्दी है। औरत बड़ी अजीब किस्म की अल्लाह ने मखलूक बनाई है, जल्दी बात का असर भी रहती है, रो भी पड़ती है और रुलाती भी है। से उलमा ने लिखा है, अगर मर्द अगर एक कुदाल लेकर घर को गिराना चाहे तो इतना जल्दी घर नहीं गिरा सकता, लेकिन अगर कोई औरत सुई लेकर भी अगर घर को गिराना चाहे तो घर को गिरा सकती है। ये औरत की जबान इतनी खतरनाक होती है, घर बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मेरी बहनों, अपनी जबान अल्लाह के जिक्र में जारी रखो, जबान से नेक बातें हो, बच्चों के सामने अल्लाह की बड़ाई की बातें हो, अल्लाह की ताकत की बातें हो। औरत जल्दी दीन की बात के सुनने के बाद भी जल्दी रो पड़ती है, अपनी जिंदगी को बदलने के फैसले करती है, पाबंद बन जाती है और जल्दी बिगड़ भी जाती है। थोड़ा शैतानी माहौल आ गया, थोड़ा बाजार में चली गई, कहीं की शादी हो गई तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सारी जिंदगी के नेक अमल को बर्बाद कर लेती है। इससे मेरी बहनों, मेरे नबी ने फरमाया, जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से मैंने सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में जलते हुए देखा। अपनी जबान को काबू में रखा करो। हमारे घर में झगड़े न होवे, हमारा शोहर अगर कुछ बोल दे हम सब्र करें, बच्चों को गाली न बोले, बच्चों को मोहब्बत से बात करे, झगड़े पड़ोसी से न करे। एक सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, हमारे पड़ोस में एक औरत है, नमाज की पाबंद है, रमजान के रोजे की पाबंद है, कुरान की तिलावत की पाबंद है, अल्लाह के जिक्र की पाबंद है, यहाँ तक के तहज्जुद की पाबंद है, लेकिन अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाती है। तो मेरे नबी ने फरमाया, उस औरत में कोई खैर नहीं है, मैंने उस औरत को जहन्नम में जलते हुए देखा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे पड़ोस में एक औरत है, सिर्फ फराइज की पाबंदी करती है, इतनी दिनदारी नहीं है लेकिन फराइज की पाबंदी करती है, लेकिन अपनी पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करती है। तो मेरे नबी ने फरमाया, मैंने उस औरत को जन्नत के बागों में खेलते हुए देखा है। इसे मेरी बहनों, अपनी जबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। और दूसरा गुना बताया, तकफुरुन अल अशीर, अपने शोहर की नाशुकरी करती है, अपने शोहर को सताती हैं। अरे घर में टीवी लानी है, बच्चे को मोबाइल दिलवा दो, बच्ची को मोबाइल दिलवा दो। जब सैटरडे संडे का दिन होता है, औरतें आस्तीन चढ़ाकर शोहर को काबू करने की कोशिश करती हैं, मैं घर में खाना नहीं पकाऊंगी, हम तो बाजार का खाना जाएंगे, पूरे हफ्ते से इंतज़ार है। बच्चे को भी समझाती है, अब्बू को कहो बाजार में खाना जाना है। अरे मेरी बहनों, तुम्हारा शोहर तो रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, मजदूरी करता है, हलाल रोजी की तलाश में अपने बाल बच्चों की जिंदगी के सुकून के लिए और अपनी बीवी के सुकून के लिए ठंडी के मौसम में और गर्मी के मौसम में और बरसात के पानी में थकता है, बीमार होकर भी कारोबार में जाता है कि मेरी औरत किसी के सामने सवाल न करे। लेकिन औरतें, अरे मेरे शोहर आज पड़ोस के घर में ये खाना पका है, तुम ये लेकर आना। वो बेचारा मजदूरी करके निकलता है, रास्ते में फोन आ जाता है, आज मैंने खाना नहीं पकाया, ये लेकर आना, ये लेकर आना। यूं करके घर बर्बाद हो जाता है। उसके पास पैसे नहीं होते, वो सूद में घुसता है, कर्जा लेकर अपने बच्चों की जायज तमन्नाओं को पूरी करता है।
शोहर की नाशुक्री मत करो। अरे मेरी बहनों, कितनी अहमदाबाद में औरतें अपने शोहरों के बगैर जिंदगी गुजारती हैं। उनका जवान शोहर दुनिया से जा चुका है, उनको जाकर पूछो तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरती है, तुम्हारा घर कैसे गुजरता है। जब पड़ोस वाले घर में फ्रूट लेकर आते हैं, गोश्त लेकर आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं, तो छोटे बच्चे अपनी अम्मी से पूछते हैं, अम्मी सबके अब्बू तो घर में कुछ लेकर आते हैं, हमारे अब्बू कब्र से कब आएंगे। उस औरत के दिल पर क्या गुजरती होगी, ये शोहर कितनी बड़ी अल्लाह की नियामत है, कितनी बड़ी अल्लाह की नियामत है, उनकी कदर करो। इसलिए एक मर्तबा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी की खिदमत में आई कि या रसूल अल्लाह, सारी मदीना की औरतें जमा हुई हैं और मदीना की औरतों ने जमा होकर मुझे नुमाइंदा बन के आपके पास भेजा है, पूछो क्या बात है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, हमारे शोहर तो अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, हमारे शोहर तो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाते हैं, सदका करते हैं, ये अल्लाह के नबी वो तो सवाब में हमसे आगे निकल जाएंगे, हम तो घरों में उनके बच्चों को पालती हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करती हैं, घर में पर्दा करके बैठ जाती है, ये अल्लाह के नबी हमारे शोहर को बड़ी जन्नत मिलेगी, हमको तो छोटी जन्नत मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया, देखो उस औरत ने कितना बड़ा कीमती सवाल किया है। फिर ने फरमाया, ये अल्लाह की बंदी सुन, अपने शोहर की तो फरमा बरदारी घर में कर और अपने शोहर के बच्चों को मोहब्बत से पाल और उनकी तरबियत करे और अपने शोहर को खुश करे, अल्लाह तुझे इतना ही अजर देगा जितने तेरे शोहर के अमल करने पर अल्लाह अजर देगा। इससे मेरी बहनों, दुनिया के हालात अच्छे नहीं है, अभी तो मुस्तकिल तौर पर पैरों पैगंडा हो रहा है कि रक्षाबंधन के मौके पर गैर मुस्लिम लड़के और ये इस तरीके पर तदबीर बनाई जाती है कि गैर मुस्लिम लड़के मुसलमान लड़कियों को राखड़ी पहनावे और मुसलमान लड़कियों को बहन बनावे। अरे मेरी बहनों, कोई हमदर्दी दुनिया में नहीं करता, ये राखड़ी नहीं है, ये जहन्नम का शोला है। अपनी बेटी उसके कब्जे में आने के सारे तौरों तरीकों रिस्की में है। ए मेरी बच्चियों, अल्लाह के वास्ते कभी इस ख्याल में मत आना, कोई तुम्हारा भाई नहीं हो सकेगा, तुम्हारा भाई वही है जो तुम्हारे माँ बाप से अल्लाह ने जनाया है, जो तुम्हारे घर में रहता है वही तुम्हारा भाई है, उसके अलावा तुम्हारा कोई भाई नहीं। चाचा का लड़का भी उससे भी तुम्हारा निकाह हो सकता है, मामू के लड़के से भी निकाह हो सकता है, सगे भाई से निकाह नहीं हो सकता, वो तुम्हारा सगा भाई है। उसके अलावा किसी को अपना सगा भाई मत समझो, चाचा के लड़के से भी पर्दा है, खालों के लड़के से भी पर्दा है, मामू के लड़के से भी पर्दा है, तो गैर मुस्लिम हमारा भाई कैसे हो सकता है, हमारा फ्रेंड कैसे हो सकता है, हमारा खैरखा कैसे हो सकता है, हमारा हमदर्द कैसे हो सकता है। अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों, अपनी जिंदगी को संभालने की बड़ी जरूरत है, अपनी जिंदगी को संभालने की बड़ी जरूरत है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, मेरी मेराज की रात में एक औरत को देखा, उसको जबान के जरिए लड़काया जा रहा है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, जुबान के जरिए कौन से गुनाहों की बुनियाद पर कि अपनी जबान से अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाती थी, अपनी जबान से पड़ोसों को तकलीफ पहुंचाती थी, अपनी जिंदगी को दिनदारी वाली बनावे, पाँच वक्त की नमाज की पाबंदी हो। ये हमारी सारा मस्जिद के एतराब में कितने मुसलमानों के मकान हैं, लेकिन फजर में नमाज एक सब डेढ़ सब होती है। हमारे जवान लड़के कहाँ है, हमारे घर के मर्द कौन सी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, हमारा पूरा घर कब्रिस्तान बन चुका है। जब सुबह का वक्त होता है, मर्द भी सोया है, बीवी भी सोई है, जवान जवान लड़के सोए हैं, जवान जवान लड़कियां बिस्तरों पर आराम कर रही है, ये मुसलमानों का मोहल्ला नहीं हो सकता। मुसलमान नमाज छोड़ नहीं सकता, मुसलमान औरत नमाज छोड़ नहीं सकती। अपने घरों में नमाज का माहौल बनाओ, जब नमाजों की पाबंदी होगी अल्लाह सारे मुनकरात को खत्म कर देगा, सारे गलत दरवाजे बंद हो जाएंगे, बच्चे बच्चे नमाजी हो, बल्कि माँ बाप तो तहज्जुद में उठे और रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह के सामने रोने की आदत डाले।
مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جید عالم دنیا میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب رات کا وقت ہوتا تھا میں اپنے گھر میں ہوتا تھا، جب رات کے اندھیرے میں میری ماں اٹھتی تھی اور وضو کر کے روتی تھی، میرے ماں کے رونے پر میں اٹھ جاتا تھا، ایک طرف میری بہنیں روتی تھی ایک طرف میری ماں روتی تھی، میں اٹھ کر اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاتا، ماں تو کیوں روتی ہے، ماں تجھے کوئی تکلیف ہے؟ تو ماں فرماتی بیٹا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں رات کے اندھیرے میں اللہ کو بناتی ہوں، یا اللہ تو میرے بیٹے کو نیک بنا دے، میرے بیٹے کو دیندار بنا دے۔ مولانا علی بن ندوی فرماتے ہیں جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا اور میں لکھنؤ ندوۃ العلماء میں پڑھنے کے لیے گیا تو میری ماں نے مجھ پر خطوط لکھے ہیں، لیٹر لکھے، آج وہ خطوط کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک بات لکھی، اے میرے بیٹے علی میاں، تم میرے اکیلے بیٹے ہو، میں تم میرے اکیلے بیٹے ہو، پروردگار عالم اگر مجھے 100 بیٹے عطا فرماتا میں اپنے 100 کے 100 بیٹے کو عالم دین بناتا، لیکن تم اکیلے ہو، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم 100 بزرگوں کی اور 100 ولیوں کی خوبیات تمہاری زندگی میں پیدا کر دے۔ پوری دنیا جانتی ہے اتنے بڑے عالم دین بنے کہ سعودی حکومت نے اور اردن میں اور ملک شام میں بڑے بڑے عرب ممالک کے بادشاہوں نے ان کو ایوارڈ دیا اور عربی میں وہ بیان کرتے تھے، ہزاروں کتابوں کے مصنف کے بڑے بڑے عرب علماء کرام ان کی باتوں کو سن کر رو پڑتے تھے۔ ایک ماں کی دعاؤں نے بیٹے کو کہاں پہنچایا، جب ماں باپ کی زندگی میں دین ہوگا اولاد کی زندگی میں دین ہوگا۔ اس سے میری بہنوں اس سارے ماحول کو درست کرنے والا عمل یہ ہمارے گھروں کی تعلیم ہے، ہمارے گھروں کی تعلیم ہے، ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کے حلقے لگے، 6 صفات کے مذاکرے لگے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فتح فرماتے تھے یہ فضائل اعمال کی تعلیم کی برکت سے اس میں اسلام کے 5 ارکان ہیں، نماز کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، ذکر کے فضائل ہیں، موت کے تذکیرے ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی ہیں، اللہ والوں کی زندگیاں ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں، دنیا سے بے رغبتی کے واقعات ہیں۔ یہ کتاب ہمارے گھر میں پڑھی جائے گی، ہمارے بچوں میں دین کا شوق پیدا ہوگا، وہ 6 صفات کے مذاکروں کی برکت سے ہمارے بچے اللہ کے دین کے داعی بولیں گے، ان کی زبان پر ایمان کی باتیں ہوگی، نماز کی باتیں ہوگی، علم کی باتیں ہوگی، اللہ کی یاد کی باتیں ہوگی، اکرام ان کی زندگی میں آئے گا، بچے ماں باپ کا اکرام کریں گے، رشتہ داروں کا اکرام کریں گے، مسجد کے امام صاحب کا، مؤذن صاحب کا اکرام کریں گے، اپنے استاد کا اکرام کریں گے، خاندان والوں کا اکرام کریں گے، اور ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے پیدا ہوگے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، گھر پر رہتے ہوئے بھی آپ بے گھر ہو جاؤں گی، تمہاری بچیاں پردے کے باہر نکل جائے گی اور تمہارے بیٹے آوارہ بن جائیں گے۔ گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے گھر کے اندر نورانیت آئے گی۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے، ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں، آج تو بیٹا ماں باپ سوئے ہوئے ہیں اور بیٹا چیٹنگ کر رہا ہے، SMS کر رہا ہے، نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتا ہے، اور دنیا میں اس کی باتیں ہو رہی ہے اور رنگ ٹون سائلنٹ کر دیا ہے، نہ گھنٹی بجتی ہے لیکن چیٹنگ ہو رہی ہے، گندگیاں گھروں میں آ رہی ہے، گندگیاں دلوں میں آ رہی ہے، گھر ناپاک ہو رہے ہیں، بستر ناپاک ہو رہے ہیں، دل ناپاک ہو رہے ہیں۔ ارے میری بہنوں اللہ کا ڈر پیدا کرو، قبر میں جانا ہے، موت آنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو، ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی، کتنے جوان بیٹے قبروں کے حوالے ہو گئے، آج کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ایک وقت آئے گا جب بچے کے اسکول کا وقت ہوتا ہے، مدرسے کا وقت ہوتا ہے، ماں تیار ہو جاتی ہے، مدرسے کا قرآن
तैयार कर दी है, बच्चे को पैसे देने तैयार हो जाती है, स्कूल का वक्त होता है, नाश्ते का डब्बा तैयार होता है। एक वो दिन हमारे घर में आएगा, बेटा घर पर आएगा, माँ का जनाजा पड़ा होगा, अम्मी जल्दी स्कूल का वक्त हो चुका है, मदरसे का वक्त हो चुका है, जल्दी मेरा टिफिन तैयार कर दो, उस्ताद मुझे जल्दी बुला रहे हैं, स्कूल में मुझे जाने का वक्त हो चुका है, ऑटो बाहर खड़ी है, लेकिन माँ बोलती नहीं है, माँ का जनाजा पड़ा हुआ है। एक तरफ अब्बू रो रहे हैं, एक तरफ भाई रो रहा है, एक तरफ चचा रो रहे हैं, और अब्बू ने रोकर कहा, बेटा आज तेरी माँ खटिए पर सोई है, थोड़ी देर के बाद तेरी माँ का जनाजा घर से उठाया जाएगा, कब्र के हवाले कर दिया जाएगा, बेटा तेरी माँ तुझे जन्नत में मिलेगी। अरे मेरी बहनों, माओ को बेटों की जुदाई होने वाली है और बेटों को माओ की जुदाई होने वाली है, ये मौत अटल हकीकत है और दुनिया तो धोखे का सामान है। अल्लाह ने मेरी जिंदगी अता फरमाई है, अपनी जिंदगी को दीनदारी वाली बनाओ। और मेरा नबी ने फरमाया, जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आवेगी, और जैसी मौत आएगी वैसे कब्र से उठाए जाओगी। इससे मेरी बहनों, आप तमाम को जमा करने का मकसद यही है, हमारी ज़िंदगी अल्लाह वाली बने, हमारी ज़िंदगी अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक गुजारे, हम दुनिया के माहौल का असर न ले, और दुनिया में जो माहौल चलता है गंदगियों का, आइंदा बहुत गंदगियाँ फैलेगी। इससे हमारे घर में मोबाइल का कंट्रोल हो, पर्दे का एहतमाम हो, हमारे घर पर किसी का ज़्यादा आना जाना न हो, हमारे जवान लड़के रातों को 11 बजे हमारे बच्चे घरों में आ जावे, जल्दी सोने की आदत डालो, और हमारे छोटे बेटे मदरसों में जाने के पाबंद बने, हमारे बेटों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजो, कुरान पढ़ेंगे, उनकी जिंदगी बनेगी, उनकी आखिरत बनेगी, और मरने के बाद हमारे लिए आखिरत में नजात का और हमारे आखिरत में कामयाबी का जरिया अल्लाह पाक हमारी औलाद को बनाएगा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ होगी इंशाल्लाह। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ये अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ये अल्लाह हमारी खताजा से दरगुजर फरमा, हमारे सैयाद को हसना से मुबद्दल फरमा, ये अल्लाह तेरा ताल्लुक हम सबको नसीब फरमा, तेरी ज़ात आली से होने का यकीन ज़िंदगी में पैदा फरमा, ये अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, हमें अपने आप से राज़ी फरमा ले, ये अल्लाह तो हमारा बन जा, तो हमें अपना बना ले, ये अल्लाह पूरी उम्मत को, ये अल्लाह पूरी उम्मत की पूरी पूरी मगफिरत फरमा, उम्मत की जान की माल की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत फरमा, ये अल्लाह उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा, या अल्लाह हमारे समझी के साथियों ने बड़ी मेहनत के साथ मस्तूरात को जोड़ा है, उन मस्तूरात को जोड़ा है जिनका दिन में जमा होना मुश्किल होता है, परवरदिगार आलम इनके जमा होने को कबूल फरमा कर ये मौला करीम प्रोग्राम उनकी ज़िंदगी के बदलने का ज़रिया बना दे, आखिरत में नजात का ज़रिया बना दे, हमारी मस्तूरात को पर्दे का पाबंद बना दे, पर्दे का पाबंद बना दे, उनके दिल में तेरा डर पैदा फरमा दे। ये मेरे मौला बड़ी कमज़ोर मखलूक है, जल्दी माहौल का असर ले लेती है, ऐ मेरे मौला उनके दिल की दुनिया बदल दे, तेरी मोहब्बत उनके दिल में दाखिल फरमा दे, अल्लाह कपड़ों की मोहब्बत, सोना व चांदी के जेवरात की मोहब्बत उनके दिलों से निकाल दे, अल्लाह तेरी नेक बंदियाँ बना दे, अल्लाह जितनी मस्तूरात यहाँ आई हैं उनका आना कबूल फरमा दे, उनके घरों में दीन के दरवाजे खोल दे, फवाहिश के दरवाजे बंद फरमा दे, उनके बच्चों को दीन के आलम बरदार बना दे, दीन के दाई बना दे, आलिम और हाफिज बना दे, ये अल्लाह घर में दीनदारी का माहौल पैदा फरमा दे, बे मकानों को मकान दे दे, बे दुकानों को दुकान दे दे, आफियत वाली दुनिया दे दे, आफियत वाली बरकत वाली रोज़ी दे दे, ये अल्लाह दुनिया में बहुत सी लड़कियाँ मुर्तद हो चुकी हैं,
वो बाप घर से निकलने के लिए तैयार नहीं और वो माँ पड़ोस में जाने के लिए तैयार नहीं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बड़ी मेहनत से बेटी को बड़ा किया था, क्या मालूम था कि हमारी बेटी जवान होने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ेगी। अरे माँ बाप को तो क्या छोड़ती, इस्लाम को छोड़ कर गैरों के हवाले हो गई, जहन्नम का कोयला बनेगी। ए मौला मुसलमान बच्चियों की इज्जत की हिफाजत फरमा दे। चारों तरफ गुनाहों का बाजार है और चारों तरफ बातिल का माहौल है, हर जगह गुना ही गुना है, हर जगह फितने ही फितने है, हर जगह खून ही खून है। हमारे जवान बच्चों के ईमान की, जवान बच्चियों के ईमान की इज्जत की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह इस्लामी फिजा और इस्लामी माहौल हमारे घरों में कायम फरमा दे। या अल्लाह पूरी उम्मत की पूरी पूरी मगफिरत फरमा दे। हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, हमारे घर वालों की मगफिरत फरमा, हमारे बच्चों की मगफिरत फरमा, रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा, असातिज़ा की शागिर्दों की मगफिरत फरमा। ए मेरे मौला मुझे तेरे नेक बंदों में शामिल फरमा दे। दीन के आली मेहनत के लिए मौत तक कबूल फरमा दे और दीन के आली मेहनत के लिए देर के लिए दूर के लिए कबूल फरमा दे। ये हमारी मस्जिद सारा सारा मराए करीब तेरे नेक बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम है, जिनके बदन पर इसहाक़ अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ए मेरे मौला वो खातून कितनी दीनदार थी, वो खातून कितनी दीनदार थी। ये अल्लाह इस सारा मस्जिद के तरह में तमाम रहने वाली बहनों को उनकी ज़िंदगी में सारा वाले सिफात पैदा फरमा दे, अरे सारा वाले सिफात पैदा फरमा दे। ये अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदार बना दे, यहाँ के नौजवानों को मदीने के नौजवानों की तरह बना दे, हमारी बच्चियों को सहाबा की बेटियों की तरह बना दे, हयादार बना दे, पाक दामन बना दे। यहाँ पढ़ाने वाले उलमा मुदरिसीन को बेहद कबूल फरमा दे, काम करने वाले साथियों को कबूल फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआ को अपने फजल व करम से, अल्लाह तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सब गुनहगारों की दुआओं को रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।